हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। पहले इतना फ्रीडम था नहीं ना कि हम किसी तरह से, अब फ्रीडम है कि आप जो चाहो कर सकते हो। नारा जी, कितने साल से गणपति बना रही हैं? मेरा ये दूसरा साल है, लेकिन मैंने बहुत अपने एक्टर्स और कोस्टार्स और अपने जो डायरेक्टर्स और उनकी गणपति जो हैं बहुत सारे अटेंड किए हैं, और तब से मेरा मन था कि मैं अपने घर पे गणपति लाऊं, बट जैसे कि हम एक्टर्स ना अकेले रहते हैं, कोई होता नहीं है, तो बहुत बट मैंने बहुत मन बनाया पिछले साल और मैं नहीं आई, और दूसरा साल है और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब गणपति जी आने वाले होते हैं, क्योंकि गणपति जी मेरे बर्थडे के बाद आते हैं, बर्थडे होके जाता तो गणपति जी की ब्लेसिंग आती है, तो आने वाला साल बहुत अच्छा होने वाला है। गणपति जी के बारे में क्या कुछ विशेष है जो बताएं? विशेष क्योंकि मैंने पिछली बार भी जो आप लास्ट टाइम में मेरे गणपति पे आया था, तो आपने नोटिस किया होगा कि पिछली बार तो कान ऐसे थे बड़े और लाल रंग के, इस बार भी बड़े लाल रंग के। मतलब अनारा अगर धीरे से भी चलाए तो उनको जरूर सुनाई दे। बिल्कुल वैसे बोल लो वो सुनाई दे उनको अच्छा खासा, इसलिए बड़े बड़े कान है। लास्ट ईयर आपने बोला था कश्मीर आजाद हो जाए, इस साल आजाद हो गया, क्या कुछ कहेंगे? कुछ कश्मीर आजाद तो था ही, लेकिन हाँ जो चीजें हुई है जो हमारे पीएम जी ने किया है हमारे शहर की, स्पेशली जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, डेफिनेटली बहुत खुशी की बात है। और आई नो कि लोगों को जल्दी कोई चीज़ डाइजेस्ट करने में समझने में समय लगता है, जैसे आज मैं कोई हेयर कट करा लूँ, मैं अपने बाल छोटे करा लूँ, तो लोग मुझे नहीं पहचान पाएंगे, कुछ बोलेंगे कि अच्छा अच्छा लग रहा है अनारा तुम्हें ये हेयर कट, और कुछ बोलेंगे नहीं नहीं यार ये सूट नहीं करा, तो हर तरह के लोग हैं हमारे बीच में, तो लोगों को धीरे 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 वो आदत हो जाएगी, समझ जाएंगे कि चीज़ उनके शहर के लिए बहुत बढ़िया है, धीरे धीरे उनको उस चीज़ का अंदाजा हो जाएगा। मुझे ये सारा डेकोरेशन किसने किया है? डेकोरेशन वाले ने किया, लेकिन पूरा आइडिया मेरा था, क्योंकि पिछली बार मैंने नकली फूल लगाए थे, तो मैंने सोचा कि बप्पा के लिए असली फूल होने चाहिए, तो ये डेकोरेशन सारा रात को 5 बजे हुआ, मतलब दिन में 3 बजे स्टार्ट हुआ था ये सब बनना, 5 बजे लगना स्टार्ट हुआ था, सुबह 7 बजे। आइडिया किसी का आपने चोरी किया है? मैं कभी किसी का चोरी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत क्रिएटिव हूँ संजय, और जब आप किसी चीज़ को दिल से करते हो तो कुछ भी चोरी करने की जरूरत नहीं होती। सुबह से कितने लड्डू चुरा खाए हैं बताइए? मैंने एक भी लड्डू नहीं खाया, तुमने बता दिया, मुझे याद आ गया मुझे खाना है लड्डू, इसके बाद खाऊंगी, तुम्हारा वीडियो बंद होते ही। और अपने दोस्तों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आए आज? थैंक यू सबको, क्योंकि आज बहुत भीषण बारिश हो रही है बॉम्बे में, जो नहीं हो रही कितने दिनों से, लेकिन फिर भी जो दोस्त हैं मेरे सब लोग, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, चाहे वो हीरो हो या मेरी हीरोइंस हो या मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हो, सब आए मेरे लिए, और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और कल भी हैं पप्पा बैठे हैं शाम तक, तो कल भी प्लीज़ आइए, सबको मेरी निवेदन है, और मुझे ज्वाइन कीजिए विसर्जन में, हम बहुत धूम मचा के धमाल करके ढोल के साथ पप्पा का विसर्जन करेंगे, क्या हुआ जा रहा है, लेकिन खुशी खुशी भेजेंगे कि नेक्स्ट ईयर वो फेगा। अनारा गुप्ता आगे चल के पॉलिटिक्स में ज़्यादा टाइम देगी या अभिनय में? ये तो समय बताएगा क्या करूँगी, बट मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि अब जम्मू में मुझे ऐसा लगता है कि हमें फ्रीडम मिलेगा कुछ भी करने का, तो मैं चाहूँगी कि मैं समाज सेवा पर थोड़ा ध्यान दूँ, जो मैं चीज़ें बहुत सालों से, अगर मेरे पुराने इंटरव्यूज किसी ने सुने होंगे तो मैंने पहले भी बोलती थी कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ, कोई एनजीओ करना चाहती हूँ कि जो औरतों के लिए स्पेशली काम करे, तो आई थिंक अब वो चीज़ें मैं कर पाऊंगी, क्योंकि अब वहाँ फ्रीडम होगा, अब वहाँ पे किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होगी। कोई फिल्म रिलीज पर है? 3-4 फिल्में रिलीज पर, खेसारी जी के साथ मैंने भी वेस्ट में गाना किया है, मैं आपके भाग खेसारी भाग में एक गाना किया है, फिर राजू माही जी के साथ एक फिल्म आ रही है मेरी, और एक और 2 फिल्में और है, और 10 तारीख से शूटिंग शुरू करूंगी, तो क्वाइट काम तो है, बट अब समाज सेवा की बारी है, मैं 10 साल शायद बहुत काम करूँगा। थैंक यू, जाते हैं दर्शकों कुछ कहेंगे? इको फ्रेंडली गणपति जी लाइए, अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखिए, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, गणपति जी प्लीज़ आप अगर इको फ्रेंडली लाएंगे तो उनको आपको विसर्जित करना आसान होगा, हमारे समुद्र के लिए बहुत ज़रूरी है, कितनी सारी मछलियाँ मर जाती हैं, इतना सब हो जाता है, इतने सारे पेड़ कट रहे हैं, प्लीज़
प्लीज प्लीज पेड़ लगाइए, जो अच्छा करिए, जो हमारे लिए और आप सबके लिए अच्छा हो आगे आने वाले टाइम में। थैंक यू, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.